हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइंस में। तो 2022 के सर्वे के हिसाब से इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट की जो खपत है वो 350 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा खपत इंडिया के अंदर बढ़ी है और साथ में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बढ़ेगी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा सीमेंट की खपत हो रही है तो सीमेंट मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनियां भी बढ़ती जा रही है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के अंदर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं। तो उनमें से बेस्ट टॉप 5 सीमेंट कंपनियों के बारे में आज हम जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि इंडिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी कौन सी है और टॉप 5 के अंदर कौन कौन सी सीमेंट कंपनियां आती है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ में चैनल के बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आता तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे टॉप 5 सीमेंट ब्रांड के बारे में इंडिया के अंदर। तो सीमेंट ब्रांड हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि टॉप 5 जो रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग आएगी कैपेसिटी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो कितनी कैपेसिटी में सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उस कैपेसिटी के हिसाब से हम उसका डिसाइड करेंगे कि वो टॉप 5 के अंदर कितने नंबर पे आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, तो वो सीमेंट कंपनी है रामको सीमेंट। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में रामको सीमेंट 21 मिलियन टन के साथ 5वें स्थान पे है। रामको सीमेंट साउथ रीजन के अंदर काफी ज्यादा पकड़ अपनी बना के बैठी है। और रामको सीमेंट के बारे में एक खासियत मैं आपको बता दूं कि रामको सीमेंट दूसरी कंपनीज के लिए भी सीमेंट ग्राइंड करके उनको सप्लाई करता है, यानी कि रामको सीमेंट की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर सीमेंट पिसता है और वो सीमेंट वो दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में रामको सीमेंट खुद के लिए भी सीमेंट बैग पैक करता है। और वहीं बात करें सीमेंट बैग के प्राइसिंग की तो रामको सीमेंट 360 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में सीमेंट अपना बेचता है। जो PPC शुरुआत रेंज है वो 360 से शुरू होती है और इनका जो प्रीमियम सीमेंट आता है वो 400 रुपये के आसपास हमें आज की तारीख में मिल रहा है। तो रामको सीमेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 5वें नंबर पर आती है। अब बात करें चौथे नंबर की कंपनी की, तो चौथे नंबर कंपनी है डालमिया भारत सीमेंट। 41 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ डालमिया भारत का जम्बर चौथा नंबर आता है। तो 41 मिलियन टन काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, राम को 5वें नंबर पे उसकी 21 मिलियन और इसकी 41 मिलियन, तो काफ़ी ज़्यादा उछाल है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल ये सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है डालमिया सीमेंट राम को सीमेंट से और ये चौथे नंबर पे आता है। डालमिया सीमेंट की प्राइसिंग जो है वो काफ़ी नॉमिनल है, जो राम को सीमेंट के अराउंड अराउंड यानी 360 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको नोटिस कर दूं कि डालमिया सीमेंट के बारे में, डालमिया सीमेंट सरकारी टेंडर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मेट्रोज के बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, अगर एयरपोर्ट की कोई स्ट्रिप बन रही है उसके अंदर कोई लाइन बन रही है, एयरपोर्ट के बड़े बड़े होटल वगैरह विंग बनती है तो वो विंग के अंदर डालमिया सीमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और दिल्ली रीजन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और इसके अलावा नॉर्थ रीजन यानी कि NCR रीजन जो है इनका दिल्ली के आसपास का सारा एरिया इनका स्ट्रॉन्ग पकड़ के साथ में है। तो चौथे नंबर पे आती है डालमिया भारत सीमेंट जो कि 41 मिलियन टन पर ईयर मैन्युफैक्चर कैपेसिटी करती है। अब बात कर ले तीसरे नंबर सीमेंट की, इंडिया के अंदर तीसरे नंबर की सीमेंट कंपनी है वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का पहला जो था वो सेकंड नंबर स्थान पे आती थी, सेकंड स्टेप पोजीशन पे इसीलिए आती थी क्योंकि पहले ACC और अंबुजा दोनों सेपरेट कंपनियां थी और दोनों ही कंपनियां श्री सीमेंट से नीचे आती थी। लेकिन अब ACC और अंबुजा दोनों मर्ज हो गए हैं, उसकी वजह से क्या है कि श्री सीमेंट नीचे आ गया है सीमेंट रैंकिंग के मामले में। तो सीमेंट रैंकिंग के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 47 मिलियन टन श्री सीमेंट पर एनम मैन्युफैक्चर करता है। 47 मिलियन टन काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देखा जाए तो। और श्री सीमेंट के अगर बारे में बात करें तो श्री सीमेंट काफ़ी सस्ता सीमेंट बेचता है। PPC सीमेंट की रिप्राइजिंग जो है इसकी 330 रुपये से शुरू होती है और इसका जो प्रीमियम सीमेंट आता है वो 380 और 390 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सस्ता सीमेंट है और साथ में श्री सीमेंट नॉन ट्रेड सीमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन करके रखे हैं जिसकी वजह से कहीं भी गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर श्री सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो खपत है वो ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर की। तो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है वो है अडानी सीमेंट। अडानी सीमेंट अंबुजा और ACC को मिला के बनाए हैं। अंबुजा की जो कैपेसिटी है वो है तकरीबन 32 मिलियन टन पर एनम की, ACC की जो कैपेसिटी है वो 35 मिलियन टन पर एनम की है। तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो अडानी सीमेंट की टोटल कैपेसिटी है वो 67 मिलियन टन यानी कि 67 मिलियन टन के आसपास पर एनम की कैपेसिटी है।
और इस कैपेसिटी के साथ अडानी सीमेंट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर बन जाता है। और अडानी ने रिसेंट में ही हॉलसिम से अंबुजा और ACC को खरीदा है। और साथ में अडानी ने एक और अनाउंसमेंट की है कि आने वाले 5 साल के अंदर ही ये अपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल कर देंगे, यानी कि अगर वो 67 मिलियन टन अभी बेच रहे हैं तो तकरीबन वो 140 मिलियन टन के आसपास आने वाले 5 साल के अंदर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो आपको क्या लगता है ये नंबर वन पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंडिया की नंबर वन सीमेंट कंपनी के बारे में अगर बात करें तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया की सबसे नंबर वन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो तकरीबन है 125 मिलियन टन से भी ज़्यादा, यानी कि 130 मिलियन टन आसपास ये सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। 125 मिलियन टन जो है वो 2022 के अंदर थी, और रिसेंट 3 महीने के अंदर इन्होंने 6 मिलियन टन की कैपेसिटी वेस्ट बंगाल के अंदर एक और प्लांट लगाया है उस हिसाब से है। तो 130 मिलियन टन के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है ऑल ओवर ईयर के अंदर, पूरा 130 मिलियन टन। ये इंडिया के अलावा आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सीमेंट सप्लाई करते हैं, इसकी वजह से ये इंडिया के अंदर नंबर वन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। तो ये थी इंडिया की टॉप 5 सीमेंट कंपनियां। तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, नंबर वन सीमेंट कंपनी है वो अल्ट्राटेक, सेकंड सीमेंट कंपनी है वो अडानी सीमेंट, तीसरी जो सीमेंट कंपनी है वो है श्री सीमेंट, चौथी सीमेंट कंपनी आती है वो डालमिया भारत सीमेंट, और पांचवी सीमेंट कंपनी है रामको सीमेंट। रामको सीमेंट 21 मिलियन टन कैपेसिटी के साथ पांचवें नंबर पे है, और वहीं जेके सुपर की कैपेसिटी है 20 मिलियन टन, अराउंड 20 मिलियन टन, और एमपी बिरला की भी 20 मिलियन टन के आसपास है। तो छठे और सातवें नंबर पे एमपी बिरला और जेके सुपर आता है। इसके बाद इंडिया सीमेंट की कैपेसिटी है वो 17 मिलियन टन के आसपास है, और इसके बाद में काफ़ी सारी सीमेंट कंपनियां हैं जो 10 मिलियन टन से 15 मिलियन टन के बीच में आती है। तो काफ़ी सारी सीमेंट कंपनियां अभी नज़दीक में हैं, अगर वो मर्ज हो जाए तो काफ़ी सारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो और ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कौन सी फेवरेट कंपनी है। तो ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोस को जरूर चेक करें।